हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर। पहले तो आप पिक्चर देख ही सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा दिखता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज हम जान लेते हैं। ये है 5 से 7 meters लॉन्ग, सॉरी 5 से 7 meters लंबा होता है। साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि डाइजेशन के जो भी स्टेप्स है ये इसका सबसे लास्ट स्टेप होता है। सीक्रेट्स इंटेस्टिनल जूसेस, यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड जूस सीक्रेट करता है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल जूस, सॉरी, यानी कि इस इंटेस्टिनल जूसेस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्टिव फूड, ये फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यानी कि हजम करने के लिए ही एंजाइम्स रिलीज करता है। पेप्टिडेस टू स्प्लिट स्मॉल पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स, प्रोटीन जो होता है ना उसके अंदर होता है पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि जो बॉन्डिंग होता है एक दूसरे को पकड़ने की जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर प्रोटीन को मिलता है पेप्टिडेस, जो पेप्टाइड बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करके पेप्टाइड को तोड़कर अमीनो एसिड्स बना देता है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, माल्टेज एक्ट्स ऑन मेल्टोज एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके अंदर होता है मेल्टोज। फाइनल डाइजेशन के स्टेप्स में क्या होता है, मेल्टोज को ब्रेक डाउन कौन करता है, माल्टेज, क्योंकि ये मेल्टोज को ब्रेक डाउन करता है इसलिए इसका नाम पड़ गया माल्टेज। और पिछले वाला जो पेप्टाइड को ब्रेक डाउन करता है इसलिए उसका नाम पड़ गया पेप्टिडेस, ठीक है। सब एंजाइम का नाम ऐसे ही होगा एज 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 करके, तो आप इजी से समझ सकते हो। मेल्टोज को ब्रेक डाउन करता है माल्टेज, किस में करता है, ग्लूकोज में, ये याद रखना पड़ेगा। मेल्टोज को ग्लूकोज में कौन ब्रेक डाउन करता है, माल्टेज। इसी तरह सुक्रेज एक्ट्स ऑन सुक्रोज एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन ब्रेक डाउन करता है, सुक्रेज, बहुत ही ईजी है। लैक्टेज एक्ट्स ऑन लैक्टोज एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यानी कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज कौन बनाता है, लैक्टेज एंजाइम, और ये एंजाइम कौन रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ईजी है। लाइपेज एक्ट्स ऑन लिपिड्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और लिपिड्स को कौन ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है, बहुत ही इजी है। नाम से सब जुड़े हुए हैं, नाम ही में सब कुछ है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर फूड एब्जॉर्ब होता कैसे है। तो यहाँ पर होता है विलाई, जो आप लोगों ने 7th में भी पढ़ा होगा। विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, पिक्चर में भी देख सकते हैं, उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर होता है। इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो खाने से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना उसके लिए एनर्जी सरफेस एरिया बढ़ा देता है। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि विलाई क्या करता है, खाने से एनर्जी लेकर हर एक ब्लड वेसल में वो सप्लाई कर देता है, किसी भी ब्लड वेसल में वो मिस नहीं करता, एक एक ढूंढ ढूंढ कर सबके अंदर सप्लाई कर देता है। फूड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड, सॉरी ये लाइन डबल रिपीट हो गया, यानी कि फूड को खाकर या फिर फूड को हम खाते हैं उसके बाद क्या हमारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, उस फूड से जो एनर्जी यूटिलाइज करता है उसे लगा देता है किसी, अगर न्यू टिश्यू फॉर्म करना है,
अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट थोड़ा कट गया या फिर हमने बहुत चोट खाया तो उस जगह के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इसलिए विलाई क्या करता है खाने से एनर्जी लेकर उस डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने के लिए लगा देता है, या फिर अगर कोई न्यू टिश्यू फॉर्म होना ज़रूरी है तो उसे भी फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में समझेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, थैंक यू।